और आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, कुछ फॉर्मूले की क्वेश्चंस जो कि हम वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग के थ्रू करेंगे। तो सबसे पहला पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे एक ऐसा फॉर्मूला बनाना है जो कि दो डेट के बीच में कितने नंबर ऑफ सैटरडे और कितने नंबर ऑफ संडे है उसका काउंट दिखाए, जिसको हम यूज करने के लिए यहाँ एरे का फॉर्मूला, इस तरह का एरे का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि तो कॉम्प्लिकेटेड है, हर कोई नहीं लगा सकेंगे। मैं इसी फॉर्मूले को वीवीए के थ्रू करना चाहते हैं, तो डेवलपर में जाएंगे, विजुअल बेसिक, इंसर्ट मॉड्यूल्स, एक मॉड्यूल इंसर्ट करते हैं, ऑलरेडी पहले से मॉड्यूल्स हैं, एक मैं इसको डिलीट कर देता हूं। हेलो, सॉरी सर, मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। तो यहां पे हम लगाते हैं फंक्शन। फंक्शन में जी काउंट, डी काउंट तो है ही है, और एक काम करते हैं सी डेज, और यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे हम कि एस टी एज ए डेट कॉमा ई एन ऑल्सो डेट एंड कॉमा यहाँ पे देते हैं डी एज ए स्ट्रिंग। ये हमने इनपुट डिफाइन कर लिया, मतलब कि हमारे एक्सेल सीट में सी डेज नाम का फॉर्मूला लगेगा, उसमें हम स्टार्ट डेट देंगे कॉमा एंड डेट देंगे, और हमें सैटरडे या संडे में क्या चाहिए वो हम यहाँ पे देते हैं। ये फॉर्मा लगाने का तरीका है, मतलब कि A4 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारा ST पे, B4 की वैल्यू जो है EN पे, और सैटरडे जो है वो D की वैल्यू बन जाएगी या बन गई है। अब हम यहाँ पे लूप लगाते हैं कि 4i = चले ST2EN, क्योंकि ये डेट है और एक्सेल डेट को नंबर ही मानता है, इसलिए हमने लूप लगा दिया। और ऊपर में मैं यहां लिखता हूं डिम सी एज ए इंटीजर, एक सी काउंटर है, काउंट करेगा कितना नंबर सैटरडे एंड संडे हो गया है। फिर कंडीशन लगेगा कि इफ फॉर्मेट आई कॉमा डी 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 इक्वल टू डी दैन सी इक्वल टू सी प्लस वन, और यहां पर हम कर देते हैं एंड, और लास्ट में हम करते हैं कि सी डेज इक्वल टू सी। अब बोलिए, इस कोड में कोई डाउट है आप लोगों को? विश्वराज जी, नहीं सर, अभी तो ये डी हमें सेट ले लिया होगा। चलिए इसको अप्लाई करें। आ गया फाइव। सर एक पुराने वाला ही क्वेश्चन था सर, जो आपने C=C+1 लगाया तो ये ऐड करता रहता है ना इसमें, हाँ, एक काउंटर तो है वो इसलिए चेक कर लिया कि हाँ डी है, क्योंकि इसके पास दो डेट का ही सारा डेट है ना, कितने संडे मिला वो काउंट कहाँ रखेगा।
हाँ जी, तो सर स्टार्ट डेट से एंड डेट के बीच में जितने सैटरडे आ रहे हैं, तो सी सी इज इक्वल टू सी प्लस वन, तो पहला सी वन हुआ, वन प्लस वन हुआ, ऐसे ऐसे चलता है ये। हाँ, पहला सी 0 होगा, 0 अच्छा, प्लस पहले वन जीरो है। इक्वल वन, फिर 1 प्लस सी 2 2 हुआ, क्योंकि हम सी के वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, सी के वैल्यू में एक ऐड कर दे रहे हैं। हाँ तो सर ये चलता कैसे, जैसे 0 प्लस 1 1 हुआ, फिर 1 प्लस 1 2, फिर 2 प्लस 1 होगा या 1 प्लस 2 टू कैसे होगा, प्लस वन टू होगा प्लस ना, टू प्लस वन अच्छा अरे अच्छा बेटा ऐसे दिखाई चलेगा। देता हूँ इसको, जो है देखिए फर्स्ट बार चलेगा, यहाँ देखिए फर्स्ट बार चला, हाँ जी, सैटरडे आपका क्या है 1 जुलाई है, ठीक हाँ है, जी, आई 1 जुलाई है, चेक किया, हाँ सैटरडे है, सैटरडे है, हाँ अभी जी, हाँ जी, सी पे इससे पहले कोई वैल्यू असाइन नहीं किया गया है, मतलब सी 0 है, ठीक है, तो अच्छा जीरो पहले जीरो प्लस आएगा, ठीक हाँ, है, क्योंकि इंटीजर है तो 0 आएगा ना, स्ट्रिंग हाँ जी, होता हाँ है, जी, हाँ लाइन जी, होता, ठीक, तो 0 है, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, एंड इफ फिर नेक्स्ट आई, अभी क्या है कि सी अपनी वैल्यू खाली तभी करेगा ना जब वो एंड फंक्शन से बाहर आएगा, क्योंकि एंड फंक्शन में खत्म नहीं हुआ है, हाँ जी, वापस चलेगा, तो इस बार नहीं मिला तो फिर वापस ये फंक्शन नहीं चलेगा, फिर चला फिर चला, फिर पांचवे पे उसको मिला, तो पांचवे मिला तो सैटरडे हो गया, सैटरडे इक्वल टू सैटरडे, अब इसमें सी क्या है 1 है, क्योंकि इससे पहले हमने 1 स्टोर किया हुआ है, इसपे 0 प्लस 1 इक्वल टू 1, अब क्या होगा, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इस पे 2 स्टोर हो जाएगा, फिर 5 बार चलेगा सैटरडे नहीं मिलेगा, फिर 5वां बार सैटरडे उसको मिलेगा, तो फिर यहाँ पे 2 होगा, 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, इस पे 3 तो ये स्टोर, लास्ट वाला ही रखता है हमेशा, 5 जो आएगा हाँ प्लस कर करके जो 5 आया वो आएगा हाँ उसमें। अच्छा, हाँ समझ गए, तो सर ये लिंक, ये लिंक अपने आप ही हो जाता है, जैसे हमने देन के बाद सी इज इक्वल टू सी प्लस वन लगा दिया, तो सी इसके बाद बस काउंट हो रहा है और ये ही ले रहा है, क्या ठीक है है, ना ठीक कि है, ठीक है। हमने इफ लगाया और इफ में हमने बोला कि देन, इसके बाद इसके जो भी वैल्यू है वो इफ के चलने के बाद चलेगा, इफ के अंदर में आ गया, इफ कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फुलफिल हुआ तभी इसको रन करने देगा, नहीं तो स्किप करके जंप कर देगा यहाँ पे, इफ अच्छा, का काम यही है कि कंडीशन चेक करना, कंडीशन फुलफिल हुआ तभी इसको रन करने देना, अदरवाइज जंप कर देना, जैसे कि फोर का काम है रिपीट करना, हाँ जी, ठीक तो ये सब का अपना काम है, ठीक है, है। ओके आगे बढ़े, हाँ जी, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि सैटरडे को अगर यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर में लिख दूँ तो रिजल्ट 0 हो, क्यों 0 आया, क्योंकि एक्सेल में के सेंसिटिव नहीं होता है, तो वीवीए जो है के सेंसिटिव होता है, समझ गए, वीवी आपका केस सेंसिटिव होता है, समझ गया सर, चलिए इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि मैं इसको भी यू केस के अंदर में डाल देता हूं, मैं इसको भी अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूं, और इसको भी डी को भी मैं अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूं, कर दिया, अब क्या होगा, अब केस सेंसिटिव मेरा ये रहा ही नहीं, ठीक है, अब चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उनको सेकेंड सैटरडे का डेट चाहिए, समझे, यहां पे चाहिए कि सेकेंड सैटरडे का क्या डेट है, अब इसके लिए क्या फंक्शन लाएंगे, देखिए कि फंक्शन सर बोलिए,
एक क्वेश्चन मतलब ये भी ऐड कर लीजिएगा, महीना क्या कहते हैं जैसे नॉर्मल 1 से शुरू होता है, ठीक सर? हाँ हाँ, अगर हम ये चाहे साइकिल 26 से 25 चले, हाँ तो इसमें एंड टू ये स्टार्ट टू एंड है सर। नहीं समझा। इसमें इसके अंदर जाते हैं कि इससे पहले एग्जांपल बचाते हैं। नहीं, किसी भी, मतलब मैं चाह रहा हूं कि एक कॉलम में डेट लिखी हुई हो, ठीक सर, और उसके बगल वाले कॉलम में मैं मंथ और ईयर चाहता हूं, ठीक सर। तो अगर मानिए 26 जनवरी लिखा है सर, ठीक सर, तो वो फरवरी लिखे, हाँ जनवरी नहीं लिखे, फरवरी लिखे। तो उसको देखिए कैसे होगा। जैसे आपने बोल दिया 26 यहाँ पर जैन है, सॉरी 26 है, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, ई डेट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। समझ गए? और अगर मतलब फिर ये सर 26 जनवरी को, 26 फरवरी ठीक है सर। यहाँ पे कोई भी डेट है, मान लीजिए मैं लिखता हूँ 9 मार्च, लेकिन अगर ऐसा पच्चीस लेकिन अगर क्या कहते हैं 24 मार्च लिखा तो सर, 24 से 24 मार्च होगा। डे और देखिए यहाँ पे एक डे फिक्स रहेगा, ईयर और मंथ चेंज होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर लिख दिया अब 4 दिसंबर, तो ये 4 जनवरी 2019 आ जाएगा। डे फिक्स रहेगा, मंथ अगला दिखाएगा, क्योंकि तो हमने 1 दिया हुआ है। अब चाहते हैं कि क्वार्टरली चले तो 3 दे दीजिए। एक्चुअली मैं चाह रहा हूं कि सर मानिए सी कॉलम में डेट लिखा हुआ है, तो डी कॉलम में उसका मंथ आ जाए, सिर्फ जैसे जनवरी का जैन आ जाए। फिलहाल अगर ये भी होगा तो हम उसको डी कॉलम को फिर मंथ में बदल देंगे। हाँ अरे तो सोमल से नॉर्मल से टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए ना। हाँ मैं फिर डी कॉलम में जो वैल्यू आ रही है उसको लगा देंगे। ठीक हाँ सर, मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है सर, देखता हूँ। अब यहाँ पे हमारा यह है कि मैं यहाँ पे डेट डालूँ तो मुझे पहला डेट डालता हूँ मंथ का, तो मुझे यहाँ पता चलना चाहिए कि इस महीने का सेकेंड सैटरडे किस दिन पड़ता है, कौन सा डेट है। ठीक है, तो उसके लिए भी हम फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन, और यहां पे देते हैं एन डेज, ब्रैकेट ओपन डी एड, यहां पे हम करते हैं एस टी, फर्स्ट डे है ना, एफ टी एज ए डेट, कौन सा डेट चाहिए, डी एज ए स्ट्रिंग, और फिर एन एज ए इंटीजर, मतलब इसमें क्या हुआ कि हम यहां जब लगाएंगे, देखिए कैसे लगाते हैं, इक्वल कौन सा था, एन एन डेज हमने इसको डाला, कॉमा हमने डाला सैटरडे, और कॉमा हमने डाला सेकेंड। तो A3 की रिजल्ट किस पे स्टार्ट हो जाएगी, वो FD पे, फर्स्ट डे पे चली जाएगी, सैटरडे चली जाएगा D के ऊपर और 2 चला जाएगा N के ऊपर। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं ताकि डेट मिले। तो यहां पे हमने किया कि 4i, यहां पे I इक्वल टू FD2। अब मुझे इस महीने की लास्ट डेट चाहिए, तो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट ईओ मंथ, ईओ मंथ हर महीने का लास्ट डेट दिखाता है। जैसे कि इसमें हमने डाल दिया FD कॉमा 0, इस महीने का लास्ट डेट दिख गया।
ठीक है। और फिर यहां पे हम लगाते हैं कि इफ फॉर्मेट आई कॉमा डी 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 इक्वल टू डी देन, अब यहां पे एक काउंटर करते हैं सी कि सी इक्वल टू सी सॉरी यहां पे डिम सी एज ए इंटीजर, और यहां पे करते हैं कि सी इक्वल टू सी प्लस वन और एंड इफ करते हैं यहां पे एंड इफ, और फिर लिखते हैं यहां पे कि इफ सी इज इक्वल टू एन देन एन डेज इक्वल टू आई, और यहां पे एंड इफ, और एंड इफ के साथ हमें करना होगा एग्जिट फंक्शन। ठीक है, देखिए ठीक है सर, अब इस कोड में क्या दिक्कत आई है, हेलो देख रहा हूं सर, देख रहा हूं, विश्वास जी हाँ जी सर, आप भी कुछ बोलिए, आप चुप रहते हैं सर, ठीक ठीक लग रहा है मुझे, ठीक है तो बोलिए ना सर, ठीक लगा हाँ जी, क्योंकि सी की वैल्यू हमने इसमें टू रख दी है क्योंकि हम सेकंड सैटरडे कर रहे हैं और ऊपर हमने सी रखा था। सही लग रहा है सर, एक बार रन करिए सर एक बार, तो देखे सर कोई एरर आ रहा है, रन हो गया, रन हो गया, रिजल्ट मैं दिखा दिया ना, डाउट इसमें कौन कौन कैसे फंक्शन कर रहा है समझ में आ गया ना। हाँ सर, पहले वाले में आपने काउंट रखा था सी डेज इज इक्वल टू सी, तो जो काउंट कर रहा था 0 प्लस 1 1 प्लस 1 2, और इसमें हमने डेट लिखी है एन डेज इज इक्वल टू आई, तो इसमें हम डेट फाइंड कर रहे हैं तो डेट आ जाएगी। आगे बढ़े, हाँ जी सर, तो हाँ चलिए बोले आगे सर, नो सर नो सर। अब अगला क्वेश्चन यही में है कि ये तो नंबर दिखा रहा है ना, मुझे चाहिए लास्ट डेट ऑफ मंथ, कि सैटरडे की लास्ट डेट कौन सी है, तो कैसे करेंगे, तो इसी फंक्शन को मैं कॉपी करता हूं, नीचे पेस्ट करता हूं, और इसमें मैं करता हूं एल डेज, और इसमें एन देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है कि लास्ट ही लेना है, बाकी सही होगा फॉर्मेट। तो यहां पे हमने कर दिया फ्रोमर आई डी वाई डी देन, अब यही पे मैं दे देता हूं रिजल्ट, अब सी को डेट इंटीजर नहीं, मैं यहां पे डेज कर अधिक डेट कर देता हूं, और यहां पे मैं लिखता हूं सी इक्वल टू आई, और एक कदम जाएगा, और फिर एल डेज सी, ठीक है मैं रन करके दिखाता हूं, एल डेज इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला सेट, डेट फॉर्म में कर दो 30 जून,
एक बार चेक कर लेते क्रॉस चेक, कोई गलत तो नहीं है, सही है। अब बताइए इस कोड में आपको एनी डाउट्स? नो सर। विश्वास जी? नहीं सर, ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी सर। चलिए अब दूसरे तीसरे नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। अब तीसरा नंबर क्वेश्चंस क्या है, इस चीज को देख लीजिए। यहाँ पे वर्किंग आवर निकालना है, मतलब कि 20 सितंबर को 14 बजे एक प्रोजेक्ट लिया गया, 25 सितंबर को 15 बजे वो प्रोजेक्ट हैंडओवर किया गया, ठीक है। हमारे शिफ्ट टाइमिंग 9 से 18 है, तो इस प्रोजेक्ट पे हमने कितना वर्किंग आवर है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम टाइम और डेट को प्लस कर लेते हैं। यहां पे ये हमारा अब इसके बाद इसके लिए हम वीवीएम फंक्शन लिखेंगे। चलिए फंक्शन एग्जैक्ट ई वर्क, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एस टी प्रोजेक्ट टेकन टी एज ए डेट कॉमा हैंड ओवर एच एज ऑल्सो डेट, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे डेज डिम डी एज ए इंटीजर और d इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट नेटवर्क स्टार्ट डेट t एंड डेट h। ये बता दिया कि कितने दिन हमने काम किया है, आवर यहां पे dim एच टी एज ए डेट और यहां पे दिया है कि एच टी इक्वल टू टी माइनस इंट टी उल्टा कर दिया इसको और h माइनस int h। ब्राइट छुटा हुआ है, और फिर d इक्वल टू है बहुत बढ़िया। पानी नहीं पियो? टाइम सीरियल उसे आप पे ले।
टाइम सीरियल मल्टीप्लाई कर दीजिए एच टी एच इक्वल टू एच टी प्लस टाइम सीरियल एट कॉमा आर घंटे का सिक्स है ना मल्टीप्लाई बाय डी और फिर ई व एच इक्वल टू एच देखिए ई स्टार्ट डेट टाइम फॉर्मेट में लेना पड़ेगा इसको चालीस घंटे हमने वर्क किया तो सबसे पहले हमने क्या किया क्योंकि सैटरडे एंड संडे ऑफ होता है तो मैंने निकाला कि कितने घंटे काम करते हैं ठीक है तो मुझे घंटा जो है दे दिया कि हाँ चार घंटे या पांच घंटे जो भी काम करते हैं उसके बाद इसमें क्या है कि एक दिन पूरा दिन तो काम नहीं किया हुआ है 14 से 15 ही काम किया हुआ है क्या तो हमने क्या किया 15 माइनस 14 कर दिया और हमने इसको प्लस कर दिया हो सकता है गलत हो क्योंकि तो मैंने इस पे रिसर्च नहीं किया है आप लोग इस पे एक बार रिसर्च कर लीजिएगा और जहां दिक्कत होगा मुझे बताइए ठीक है सर जो आप ये एच माइनस आई एन टी एच लिख रहे हैं सर हम इसमें से टाइम को अलग कर रहे हैं तो ये कोई फॉर्मूला है सर आई एन टी का इंटीजर में कन्वर्ट करता है तो हर कोई डेट का डेसिमल नंबर होता है डेट और डेसिमल क्या होता है टाइम होता है तो टाइम को हम अलग कर रहे हैं इंट से इंट क्या करता है इंट करता है इंटीजर में कन्वर्ट मतलब कि डेसिमल को रिमूव करता है ठीक है तो हमने क्या किया कि उसकी विथ डेसिमल माइनस विदाउट डेसिमल तो क्या रिसीव होगा डेसिमल वही किया ठीक है सर टी एच यहाँ पे क्या है सर एच टी इक्वल टू टी एच हेलो सर
हाँ सर क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा हूँ सर ये एच टी इक्वल टू एच टी होगा ना सर? हाँ ये टी एच जो लिखा हुआ है सर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एस टी उसके नीचे वाला सर? ए अच्छा यहाँ पे एस टी होगा, गलत हो गया सर। और सर ये टाइम सीरियल थोड़ा समझाइए। टाइम सीरियल जैसे एक्सेल में डेट का फॉर्मूला होता है ना कि टाइम का फॉर्मूला होता है कि आवर मिनट सेकंड डालोगे तो टाइम बना देता है, क्योंकि शिफ्ट 8 ही घंटे हुई है ना, तो 8 घंटे को 5 दिन या 4 दिन जो भी है उससे मल्टीप्लाई करके टाइम निकाला गया है कितना घंटा काम किया। 8 दिन काम किया तो 8 घंटे 40 घंटा हुआ, 5 दिन काम किया सॉरी 5 दिन काम किया तो 8 घंटे 40 घंटा हुआ। ओके सर ओके ठीक है ठीक है सर। ओके अब आगे बढ़ते हैं इसमें अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला फॉर्मूला ये है जो अभी थोड़ा पहले मैं एलएम बताया था आपको सर, याद है कि हर नंबर को एक के साथ मुझे प्लस करने, जिसके लिए हमने एरे फॉर्मूला ये लगाया था 1 प्लस 9 प्लस जो भी है सारा, तो उसको हम बीबीए के थ्रू कैसे करेंगे देखिए। हम यहां लिखते हैं फंक्शन, फंक्शन में देते हैं हम एड ए नंबर यहां पे एन एज ए स्ट्रिंग, नहीं यहाँ पे करते हैं एड एन एज ए लॉन्ग कर देते हैं लॉन्ग। अब यहाँ पे लूप लगाएंगे कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 लेन और लेन में हमने कर दिया एन, जितना लेंथ है उतना चले ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे एक पी ले लेता हूं, पी इक्वल टू पी प्लस मिड, मिड में हमने बोला कौन सा है स्ट्रिंग हमारा एन है, एन में से आई को आई से आई पोजीशन से एक को अलग करें और उसको ऐड कर दे पी के अंदर और फिर नेक्स्ट आई और एन एड नंबर इक्वल टू पी और यहां पे हमने डिफाइन कर दीजिए कि डिम पी एज ए लॉग ठीक है। अब इसमें हम एक बार लगाते हैं इक्वल एड नंबर, इसको सिलेक्ट किया और निश, नहीं निश तो गलत आ गया ना, यहाँ 33 है या निश है लेकिन फॉर्मूला तो सही है। हाँ 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 वैल में डाल के देखते हैं कुछ चेंज हो रहा है। 19 33 होना चाहिए, कुछ गलत है इसमें एन एज लॉन्ग नेम तो नीचे वाला नंबर है वो तो 19 बन रहा है, देखना जो पीछे जाना एक बार यार। हाँ? जो ये आपने किया हो ना मेक सम ऑफ ऑल डिजिट लाइक 1 प्लस 4 क्योंकि इसमें से आपने 9 निकाला हुआ है ये तो 19 बन रहा है। नहीं 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 इससे मतलब नहीं पूरा नहीं, क्या नहीं है यहाँ पे 5 5 10 9 और 9 और 13 सही तो है 33 रिजल्ट सही है, यहाँ 33 रिजल्ट एरे के थ्रू आ रहा है सही रिजल्ट आ रहा है। ए 19 दे रहा है आपका ADN एन एज लॉन्ग और हमने बोला 4 i 1 2 चले लेन n जितनी इसकी लेंथ है उतना चले फिर p इक्वल टू वैल मिड i सो 1 पहले पोजीशन में 2 3
अभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो हम एक बार इसको सब्जेक्ट में डालते हैं, कुछ ऐसा हमने गलती किया हुआ है जो हम देख नहीं पा रहे हैं, टी और हम यहाँ पे एन के ऊपर कौन सा है फोर ए थ्री रेंज ए थ्री डॉट वैल्यू कर देते हैं, ठीक है। अब इसको स्टेप इन्फो करते हैं। अच्छा इसमें मैसेज करते हैं एमएसजी बॉक्स टी, रिजल्ट क्या आ रहा है इसका 33 आ रहा है। इसमें तो 33 आ रहा है, इसको डिफाइन नहीं करते हैं। बॉक्स तो इसका रिजल्ट जो हमें क्या आ रहा है 33 आ रहा है, सही है, बट इसका रिजल्ट हमें क्यों आ रहा है कम। अच्छा लॉन्ग की जगह पे मैं वेरिएंट कर दूं, हाँ अब रिजल्ट आया था, ठीक है। लॉन्ग में दिक्कत था आई थिंक, उस्ताद जी प्रॉब्लम कर रहे हैं। ठीक है सर, समझ में नहीं आया कि लॉन्ग लिखने से क्या हो गया था और लॉन्ग हमने लॉन्ग इस पे लिखा तो लग रहा है कि डेटा इसमें पूरा नहीं उठाया था। लॉन्ग तो सर बहुत तो कितनी बड़ी वैल्यू उठाता है भूल गया मैं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू उठाता है। एक बार देख लेता हूँ, रिसर्च कर लेता हूँ, मैं ऐसे पक्का नहीं बता सकता क्या दिक्कत थी। इतना पता था कि वेरिएबल्स की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने वेरिएबल्स को सही किया तो पता चल गया। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है, क्या कंसेप्ट है, एक बार रिसर्च करके फिर बताऊंगा आपको। मेरे पास फर्स्ट टाइम ऐसी प्रॉब्लम हुई है वेरिएंट की वजह से, ठीक है सर। ठीक सर, अब ये फाइल मैं आपको भेज रहा हूँ, आप दोनों आदमी को, आप दोनों आदमी इसके बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करके मुझे भेजें, ठीक है सर। ठीक है सर, फिर मैं आगे इसी को आगे पढ़ाऊंगा कल, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे फंक्शंस को एंड यूजर फॉर्म को स्टार्ट करेंगे। ठीक चलिए।